गाइस, क्या हालचाल है सभी लोगों के। होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज कोई ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आज यार बहुत सारी चीजें आने वाली है। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर हेमर जैम आ चुका है, तो यहाँ पर तो मैं जल्दी से जल्दी हमारे एक अकाउंट के अंदर टाउनल 12 जाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने भी अपना टाउनल अपग्रेड नहीं किया तो फटाफट कर लो, भले वो अगर 75% मैक्स है ना तो जरूर कर लो। उसके बाद कैसे यहाँ पर द लास्ट टाउनल 13 चैलेंज आ चुका है, इसके बारे में कैसे बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इसको कंप्लीट नहीं किया तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो भाई आज के वीडियो के अंदर कैसे हम लोग टाउनल 14 के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो होप करता हूँ तुम लोग वीडियो को पूरा जरूर देखोगे। अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पर हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टाउनल 14 आने वाला है या नहीं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फुल चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग नेम देखो, द लास्ट टाउनहॉल 13 चैलेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लास्ट चैलेंज है टाउनहॉल 13 का, यानी कि अभी एक न्यू टाउनहॉल आने वाला है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा टाउनहॉल 14 का अपडेट आ कब सकता है। तो देखो गाइस यहाँ पर देखो हेमर जैम इवेंट आ चुका है, जो कि रहने वाला है 11 डे और 18 आवर। ओके, और यहाँ पर द लास्ट टाउनहॉल 13 चैलेंज रहने वाला है 10 डे 18 आवर। तो हेमर जैम है तब तक तो टाउनहॉल 14 नहीं आने वाला है। ओके, आई थिंक सो हेमर जैम के थोड़े दिनों बाद या फिर उसके तुरंत बाद हम लोगों को अपडेट देखने को मिल सकता है। अभी इन लोगों ने हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हेमर जैम के बाद अपडेट आएगा। देखो सुपर सेल ने हेमर जैम इसलिए लाया है क्योंकि जो टाउनल 12 के प्लेयर है वो जल्दी से जल्दी टाउनल 13 पे आ जाए और वो लोग अपग्रेड करें। अब जितने ज़्यादा लोग टाउनल 13 पे आएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर उन लोगों को, तो टाउनल 14 लाने का भाई ये बहुत ही ज़्यादा कट हो गया, ये तो कोस्ट 50% हो गया। चलो चलो इसको छोड़ो। तो फुल चांसेस है गाइस कि यहाँ पर टाउनल 14 अप्रैल के अंदर आ सकता है। तो चलो गाइस अब हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल हिंट के बारे में, जो कि हम लोग को मिली है क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो से। तो चलो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है कि क्या हमारे टाउनहॉल 14 की थीम ग्रीन कलर की होने वाली है। तो जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि टाउनहॉल 14 की थीम गाइस यहाँ पर ग्रीन कलर की होने वाली है। और गाइस आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक और इमेज देखो, देखो गाइस यहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर कन्फर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि कन्फर्म तो ऑफिशियल क्रिएटर्स और यहाँ पर सुपरसेल को ही पता है। लेकिन भाई हम लोग यहाँ पर गेस कर सकते हो, भाई मेरे हिसाब से गाइस टाउनहॉल 14 ग्रीन थीम का ही होने वाला है। आप लोग गाइस अपना जो भी सजेशन हो वो गाइस आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। तो गाइस आप लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, भाई ये क्या चीज़ है। देखो सच बताओ तो भाई मुझे पता ही नहीं चला, अगर आप लोगों को पता चला गाइस तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस उस वीडियो के अंदर हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा हिंट मिले। ओके, इलेक्ट्रिक चीज़ें अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल चैनल पर जरूर देखना। तो गाइस हो सकता है यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रिक की होने वाली है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वॉल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें गाइस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि ये क्या चीज़ है। सो गाइस आप लोग ये देखो, भाई ये आउल यहाँ पर क्या कर रहा है, भाई यहाँ पर ये देखो इसका यहाँ पर क्या काम है। सो जो आप लोग सोच रहे हो, क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या ये न्यू ट्रूफ है कोई, आप लोग भाई कमेंट करके बताओ। भाई मुझे तो लग रहा है क्योंकि भाई अगर आप लोग वो ऑफिशियल वीडियो पे जाओगे ना क्लैश ऑफ क्लैंस के, तो यहाँ पर बीकर स्लैब ने भी उस पर कमेंट किया था। अगर आप लोगों को नहीं पता बीकर स्लैब कौन है, तो भाई वो क्लैश ऑफ क्लैंस के बहुत बड़े यहाँ पर यूट्यूबर है, तो भाई उन्होंने भी इसके बारे में कमेंट किया था कि ये आउल यहाँ पर इस ट्री के ऊपर क्या कर रहा है। तो भाई ये एक न्यू ट्रूप हो सकता है भाई साहब, ये सुपर सेल ने हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हिंट दे दी है। और भाई बहुत सोर्सेज के पास से तो भाई ये भी पता चला है कि टाउनल 14 के ऊपर विजय ताल होने वाला है। ये कंफर्म तो नहीं है लेकिन गाइज ये मुझे पता चला है तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइज यहाँ पर ये इमेज देख लो, ये इमेज के अंदर ये सभी लीक हम लोग को वीडियो से मिली है, जो कि थैंक यू सो मच क्लेसर 003 ये देने के लिए। तो ये सारी लीक गाइस हम लोगों को जो आज वीडियो आया था उससे मिली है। सो होप करता हूं गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाएगा इस तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।